गुड मॉर्निंग। आज मैं पाठ 9 वर्षा आई कविता आपको पढ़ाऊंगी। तो वर्षा आई कविता पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वर्षा कैसे होती है। तो सूरज की गर्मी से जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो वह भाप बनकर आसमान की ओर जाता है और वहाँ पर ठंडक होने की वजह से वह पानी में बदल जाता है और वही धरती पर बारिश के रूप में होता है। तो जब बारिश होती है तो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो मतलब वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं में सबसे अच्छा ऋतु माने जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि जब बारिश कब होती, मतलब वर्षा कब होती है, तो ये जुलाई से लेकर सितंबर माह तक होती है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन खुश होता है इस कविता में आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। वर्षा आई चारों ओर हरियाली छाई, ऋतु सुहानी सबको भाई, धरती पर खुशहाली आई। तो मैं इसमें जो कठिन शब्द है उसका मैं सबसे पहले आपको अर्थ बताती हूँ। तो सुहानी, सुहानी मतलब सुहावना, और दूसरा है धरती। धरती मतलब जमीन, जो आप सबको पता ही है, धरती मतलब जमीन। तो जब वर्षा, हाँ, हमारे देश में 70% किसान खेती करते हैं और जब वो खेती करते हैं तो जो वर्षा से पहले जो ग्रीष्म ऋतु आती है, मतलब गर्मी की ऋतु आती है, तो उनके खेत सूख जाते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो उनके मन में बहुत ही खुशियाँ हो जाती है। तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, कब, जब वर्षा होती है, और ऋतु सुहानी सबको भाई। और जो हमारी ऋतुएं हैं, जो चार ऋतुएं हैं, कौन से, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और बसंत ऋतु। तो गर्मी का ऋतु मैंने आपको बताया कि बहुत ही गर्मी होती है, तो जैसे गर्मी होती है तो बारिश होती है, बारिश के बाद शरद ऋतु आती है, ठंडी की ऋतु, और उसके बाद पतझड़ का मौसम, जो बसंत ऋतु जिसको मैंने बोला है, उसमें सारे पत्ते झड़ते हैं, उसके बाद फिर गर्मी का ऋतु, ऐसे चलता है। तो ऋतु सुहानी सबको भाई, धरती पर खुशहाली आई, जब चारों तरफ हरियाली छा जाएगी तो धरती पर खुशहाली आई जाती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दूसरा, अभी नगमे काले बादल आए, साथ छलकती कागर लाए, ठंडी ठंडी चली हवाएं, अंधकार में सभी दिशाएं। अब इसका मैं आपको अर्थ लिखती हूँ। नव, नव मतलब आकाश, और दूसरा दूसरा गागर, यहाँ पर गागर को घड़ा बोला गया है, गागर। तो यहाँ पर नभ में काले बादल आए, तो मैंने बताया ना नभ में मतलब आकाश, तो आकाश में जब काले बादल आते हैं तो साथ छलकती गागर लाए। और तो इसमें कवि ये कह रहे हैं, यहाँ पर जो गागर है ना, गागर मतलब घड़ा, तो उनका कहना है कि गागर को, कवि ने गागर को बादल से तुलना किया है। जैसे घड़ा में पानी भर जाता है तो छलक छलक के गिरता है, उसी प्रकार बादल से जब पानी भरता है तो हमारे जमीन पर छलक छलक कर गिरता है। तो जब बादल से पानी गिरता है तो ठंडी ठंडी चली हवाएं, तो वहाँ के मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है, वातावरण बहुत ही ठंडा हो जाता है, और अंधकार में सभी दिशाएं, और अंधेरा हो जाता है, क्यों, अंधकार में मतलब, हाँ, अंधकार में मतलब होता है अंधेरे में डूबा हुआ, अंधकार अंधेरे में हुआ। अंधेरे में डूबा हुआ। तो सभी दिशाएं, दिशाएं मतलब चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये सभी दिशाएं
अंधकार में सभी दिशाएं, चारों दिशाएं अंधेरे में डूबा रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम होता है। दूसरा, कोयल पखिया शोर मचाए, मोर मगन हो नाच दिखाए, डर डर मेंढक गीत सुनाए, सबके मन को ये हर्षाए। तो यहाँ पर मगन, मगन मतलब लीन हो जाना, मगन मतलब और हर्षाए मतलब खुश हो जाना। शोर मचाए, कोयल और पपिया शोर मचाते हैं, मतलब कि ये बहुत ही मीठी राग सुनाते हैं। और मोर मगन हो, जब आसमान में बादल छाए रहते हैं तो मोर बहुत ही सुंदर नाच दिखाते हैं, छम छम करके नाच दिखाते हैं। टर टर मेढक गीत सुनाए, और मेढक तो टर टर करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं, क्यों? क्योंकि बारिश आई रहती है। और सबके मन को ये हर्षाए, और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और सबका मन खुश प्रसन्न सब हो जाता है। और थैंक यू।